नमस्कार दोस्तों, दोस्तों रविदास जी को संत रविदास, गुरु रविदास, रैदास, रोहिदास, रूहिदास के नाम से जाना जाता है, ये आप सब जानते हैं। उनकी बहुत सारी ऐसे चमत्कार जो उस समय में जरूरी हो गए थे, क्योंकि उस समय जाति प्रथा का बहुत बोलबाला था और रविदास जी को छोटी जाति में जन्म लेने के कारण इतनी सुविधाएं नहीं थी। उन्हें लोग हीन भावना से देखते थे, उन्हें विद्वान मानने को तैयार नहीं थे, जबकि रविदास जी हमेशा कहते थे कि ब्राह्मण वो है जिसे ब्रह्म का ज्ञान हो। एक साधारण आदमी ब्राह्मण नहीं हो सकता, एक ज्ञानी पुरुष जिसको ब्रह्मांड का ज्ञान प्राप्त हो, जो सद्गुरु हो, जिनको सद्बुद्धि हो, जिसके सद्विचार हो, जो मानवता की सेवा करता हो, जो किसी तरह का कोई भेदभाव ना रखता हो, वो ब्राह्मण है। जाति वाले ब्राह्मण से इसका कोई मतलब नहीं है। रविदास जी की बहुत प्रसिद्ध कहानी मन चंगा तो कठौती में गंगा। एक बार क्या हुआ, रविदास जी अपने जूते बनाने का काम कर रहे थे, तभी कुछ ब्राह्मण उनके पास आए। उन्होंने उनसे पूछा, आप सुबह सुबह कहाँ जा रहे हैं? उन्होंने कहा, हम तो आज पूर्णमासी है, हम तो गंगा स्नान के लिए जा रहे हैं, आज गंगा स्नान का बहुत पवित्र स्नान है और गंगा माई की पूजा करेंगे और उनसे वरदान मांगेंगे। रविदास जी के मन में आया कि मैं भी क्यों ना कुछ अर्पण कर दूं। उन्होंने उनसे प्रार्थना की कि शास्त्री जी, मेरी दमड़ी अगर गंगा माई को दे दें तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। खैर, ब्राह्मणों ने वो दमड़ी ले ली, लेकिन उनके मन में पाप आ गया। उन्होंने वो दमड़ी गंगा जी को ना देकर अपने पास रखने का निर्णय लिया। इससे गंगा जी रुष्ट हो गई और गंगा जी ने उनको पीछे से आवाज लगाई कि सुनो, मेरे भक्त की दी हुई भेंट मुझे दे दो। अब ये सुनकर वो ब्राह्मण लोग आश्चर्यचकित रह गए। डरते हुए उन्होंने वो दमड़ी गंगा जी को दी और गंगा जी ने एक सुंदर सा रत्न जड़ित कंगन उनको दिया कि ये मेरे भक्त रविदास को दे देना। ब्राह्मणों के मन में फिर से पाप आ गया। वो कंगन उन्होंने सुनार के पास बेचने की कोशिश की। अब सुनार के पास इतनी दौलत ही नहीं थी जितना महंगा वो कंगन था। सुनार भी आश्चर्यचकित रह गया। तभी राजा का एक सैनिक वहां खड़ा था। वो सैनिक उन पंडितों को पकड़कर राजा के पास ले गया कि महाराज, इतना महंगा कंगन इन ब्राह्मणों के पास कहां से आया? तब उन ब्राह्मणों ने सारी बात राजा को बताई। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ और राजा स्वयं चलकर रविदास जी से प्रार्थना करने गए कि ये कंगन बहुत अद्भुत है और इस कंगन को देखते ही हमारी रानी इस पर मोहित हो गई है। अब इसमें का दूसरा कंगन पूजा भक्ति करके आप हमें दे दो, हमारी इज्जत बच जाएगी। रविदास जी ने उस कंगन की भेंट स्वीकार की, उनका बहुत बहुत धन्यवाद किया और फिर अपनी कठौती में से गंगा माई को प्रकट करके दूसरा कंगन भी राजा को भेंट किया। हालांकि उस समय के पंडितों ने उनका विरोध किया कि ये कठौती जिसमें आप चमड़ा भिगोते हो, इसमें से गंगा जी प्रकट होंगी। तब रविदास जी ने कहा था कि अगर मन साफ है, अगर मन चंगा है, तो गंगा माई को इसी कठौती में से प्रकट होकर मेरी भक्ति की लाज रखनी होगी। मन चंगा तो कठौती में गंगा, ये तभी से प्रचलित हो गया और आज भी इसका कोई सानी नहीं है। ऐसे महान संत, ऐसे महान गुरु, ऐसे महान मानवता के पुजारी, ऐसे गंगा भक्त को मैं सादर नमस्कार करता हूं।